नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, बिहार में जो है निकाय चुनाव के लिए जो है लगातार प्रत्याशी प्रतिनिधि और निवर्तमान जो मेयर उपमेयर हैं अपने क्षेत्र के दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, अपने संकल्प, अपने मुद्दे, अपने वादे को जो है लगातार पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है हम भी जो है पूरे पटना क्षेत्र के दौरे पर हैं, जब 75 वार्ड में जो है जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अपने माध्यम से जो है ऊपर तक पहुंचाने का, जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं पिंकी यादव जी के पास, जो मेयर के प्रत्याशी हैं और लगातार जनता के बीच जनसंपर्क कर रही हैं, उनसे मिल रही हैं, अपने संकल्प को उन्हें बता रही हैं, कैसे विकास होगा पटना का, नगर निगम का कायाकल्प कैसे होगा, इन सारे चीज़ों पे जो है मिलकर चर्चा पर चर्चा कर रही हैं, बैठक कर रही हैं और जो है जनता भी इन्हें समर्थन कर रही हैं, माला पहनाकर, जिंदाबाद करके और समर्थन देकर। तो इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं और इनसे हम बात करते हैं कि आखिर कैसे पटना का कायाकल्प होगा, जनता का क्या रिस्पॉन्स है और कैसे जीत के बाद जो है ये जो है सारे चीज़ों को बदलाव करेंगे पटना के लिए। इन सारी चीज़ों पर हम इनसे चर्चा पर चर्चा करेंगे। मैम, मिशन का नमस्कार। मैम, मेरा पहला सवाल है, लगातार दौरा कर रहे हैं सुबह से शाम तक, लोगों के बीच जा रही हैं, कैसा रिस्पॉन्स लोगों से? अभी पटना में जनसंपर्क के दौरान मैं लगातार जो प्रचार कर रही हूँ अपना, तो वहाँ लोगों को तो अभी अवेयरनेस भी नहीं है कि मेयर का चुनाव क्या है। कुछ लोग हैं जिन्हें पता है कि हाँ मेयर का चुनाव होने वाला है, जनता चुनने वाली है, पर बताना पड़ रहा है। और जब वो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या कार्य किया है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अपना रहे हैं कि नहीं ये भी एक कैंडिडेट है और इसको ये काम की हुई है अपने वार्ड में और घटना के लिए बेहतर कर सकती है। मुझे लग रहा है कि वो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। और जब आप जनता से मिल रही हैं तो समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ रहा है? बहुत बहुत समस्याएं तो पटना में बहुत है और मुझे लगा जैसे मेरे वार्डों में जो समस्याएं थी सेम वही समस्या अन्य वार्डों में, पटना के अन्य शहरों में है। मूलभूत समस्या जो है पटना की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव है। अभी भी किन किन वार्डों में गई हूँ तो देखा है कि अभी जब बरसात का मौसम भी नहीं है फिर भी वहाँ पर पानी है, रोड की स्थिति खराब है, सफाई की व्यवस्था एकदम मतलब नगण्य है, सफाई की व्यवस्था तो बहुत ही ख़राब है कि कुछ कुछ वार्डों में। तो मैंने वो देखा है और मैंने संकल्प किया कि मैं तो पहले से भी सोच रही थी कि जिस तरह मैंने अपने वार्डों में नालों की कनेक्टिविटी करके जल जमाव की समस्या से मुक्ति पाई है, उसी तरह हर वार्ड को एक दूसरे से लिंक करवा के जो कनेक्टिविटी है मैं करवाऊँगी और पटना शहर को जल जमाव मुक्त करने की पूरी कोशिश करूँगी कि आगामी कुछ वर्षों में जल जमाव की स्थिति पटना में बहुत कम, अगर वो भी तो बारिश के मौसम में तो तुरंत निकल जाए पानी। देखिए, हम आपको बता दें कि पटना का सबसे मुख्य समस्या जल जमाव है, जो कमर से ऊपर तक पानी पहुंच जाता है, पूरे पटना में भर जाता है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत बेहतर ढंग से नहीं है, पानी निकल नहीं पाता है और गंगा बगल में होने के कारण गंगा का पानी का क्या लगता है ड्रेनेज सिस्टम में बदलाव आएगा? आगामी कुछ वर्षों में एकदम होना ही होना है क्योंकि हम अपने पटना शहर को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं और हम पूरे और दूसरे महानगरों से उसके बराबर खड़ा करना है। इसमें हम नगर निगम को तो लगना ही है, नगर निगम को एक ऐसा प्लान बनाना है जो पूरी तरह आधुनिकीकरण से युक्त हो और उसको कार्य किया जा सके और पानी निकलने के लिए हमको व्यवस्था करनी है, क्योंकि पटना जो है अब बहुत सघन इलाका है और नए इलाके भी जुड़ रहे हैं, इसलिए हमें व्यवस्था तो पूरी करनी है। इसके लिए क्योंकि नए इलाके, सही बात है, पटना धीरे धीरे विस्तार ले रहा है, नए इलाके जुड़ रहे हैं, नए वार्ड बन रहे हैं। तो अब अगला सवाल मैम आपसे, आप महिला हैं, महिला को लेके क्या है यहाँ पे, चूँकि ना उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, क्योंकि हम भी अभी दौर कर रहे हैं तो लोग बातों पर चर्चा करते हैं हमसे कि ना उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, ना सुरक्षा की व्यवस्था, हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, तो आखिर आप कौन सा वो व्यवस्थित व्यवस्था करेंगे जिससे कि जो है इन सारे चीज़ों से जो है महिलाओं को खासकर युवतियों को खासकर जो है रूबरू ना हो? मैं भी चुनाव प्रचार के दौरान घूम रही हूँ तो सबसे बड़ा चीज़ है शौचालय की नहीं होना, पटना शहर में शौचालय नहीं होना और जो भी है भी उसमें ताला बंद है। इस पर पिछली मेयर का ध्यान नहीं गया कि उन्होंने ना तो उसके सफाई की व्यवस्था रखी, क्योंकि जब तक देखिए हाइजीन नहीं रहेगा कोई भी चीज़ तो महिलाएं वहाँ नहीं जाएंगी और महिलाओं को हाइजीन से बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, पुरुषों पर नहीं पड़ता है मगर महिलाओं पर असर पड़ता है, तो महिलाएं जाना नहीं चाहती। मैं दिखा भी गई थी, दिखा हाट गई थी, तो मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि आप यहाँ अगर आप मुझे समर्थन करेंगे तो मैं यहाँ पर शौचालय का निर्माण करवाऊँगी और पुरुष का अलग और महिला का अलग, और वहाँ पर स्थानीय लोगों को ही रोज वहाँ पर रखा जाएगा ताकि साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है दुरुस्त हो।
उन्होंने कहा कि अगर आज तक कोई नहीं आया जो ये बात बोला है। मैंने कहा है, और पटना के सब जगह जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जैसे मैं ही घूम रही हूँ तो मैं पानी कम पीती हूँ, ये मजबूरी है। रियल मजबूरी है मेरी, क्योंकि कहाँ जाना है, चुनाव प्रचार के दौरान मैं कहीं जा नहीं सकती है ना, और किसी के घर में जाने के लिए फिर आपको उसके घर जाना पड़ेगा, बहुत सी बातें हैं, तो मैं नहीं जाती हूँ। तो इसलिए मैंने खुद जो चीज़ को सहा है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर जब पटना की जनता मुझे वोट दे के जिताएगी तो हर जगह मार्केट प्लेस पर शौचालय होगा। जैसे मैं मुंबई भी जाती हूँ, जब दिल्ली जाती हूँ, मुंबई में तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और वहाँ पे हर मार्केट प्लेस पर एक सार्वजनिक शौचालय और साफ़ सुथरा रहता है, वैसा ही मैं पटना में भी करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बड़ी समस्या से इन्होंने अभी हमें अवगत कराया है, ये खुद महिला है और लगातार जनसंपर्क कर रही है सुबह से शाम तक, और इसलिए पानी कम पीती है क्योंकि इनको उस समस्या से मतलब सामना ना करना पड़े और कहीं दूसरे घर में या कहीं ऐसा, क्योंकि वो चीज़ें शौचालय है नहीं, इसलिए इन्होंने, जो कि आपको ही पता है कि पानी कितना स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है और इस चीज़ों को ये कम करती हैं, इसलिए क्योंकि उस चीज़ें से आप दोनों भरू ना हो। मैम, मेरा अगला सवाल है कि आप कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से संकल्प को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा तो पटना शहर के लिए है, मेरे पूरे पटना शहर के 75 मूलभूत सुविधा जो होती है, क्योंकि मैं पिछले 15 से पार्षद हूँ तो हर वार्ड की समस्या से मैं रूबरू होती हूँ। कोई ना कोई पार्षद जो है कुछ ना कुछ अपनी समस्याओं को बताता ही रहता है, तो सब जगह कॉमन समस्या है। उन कॉमन समस्याओं से हमें निपटना है, शहर का जल जमाव, सफाई, पीने का पानी, बिजली। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, पटना शहर पास बल्लों पर तारे हैं, तो ये चार चीज जो है बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है संकल्प क्या है, इन चारों चीजों को पढ़ने के बाद और मेरा कार्य जो है, क्योंकि इनसे ऊपर हमें उठता है तब तो शहर अपना शहर जो है और विकसित होगा। मैंने आपको बताया पहले कि शौचालय का निर्माण कराना है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में नगर निगम में कुछ अधिकार हैं जो प्राथमिक विद्यालय, सरकारी जो स्कूल है वहाँ तक रहते हैं, क्योंकि एक पार्षद जो होता है वो अध्यक्ष होता है, और सिर्फ अध्यक्ष बने रहने से काम नहीं चलेगा, हमें वहाँ की व्यवस्था को भी देखना होगा कि बच्चे स्कूल आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि अभी भ्रमण के दौरान मैं देख रही हूँ कितने रैक पिकर्स बच्चों को मैंने देखा है, कल ही की बात है, और मैंने पूछा कि तुम स्कूल जाते हो, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जाता हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि वो उसको स्कूल जाए। और मैंने सोचा है कि जब मैं जीत कर आती हूँ तो मैं ऐसा करूँगी कि जितने भी बच्चे छूटे हुए हैं और रैक पिकर्स हैं, जो ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, सबकी गिनती करके उनका आधार कार्ड बनवा कर, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो नगर निगम ऐसी व्यवस्था की जाएगी, वह शिविर लगवाऊंगी और सबका जन्म प्रमाण पत्र स्कूल में एडमिशन उनका करवाऊंगी, सरकारी स्कूल में, और सरकारी स्कूल में व्यवस्था हो बच्चों की खेलने की, शौचालय अच्छा हो और बिजली। ये सरकारी स्कूल के लिए मेरा है, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है समाज के लिए, जब एक तक जब तक सारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे हम अपने समाज को आगे। ये सरकारी योजनाएं इतने सारे हैं, हम उसे सब घर तक पहुंचा दे तो मुझे लगता है कि गरीब गुरबों के घर से लेकर काफ़ी बेहतर हो सकता है, जो योजना सरकार के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या लगता है सारी योजनाएं अभी तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, और यदि पहुंच रही है अभी तक सब लोगों तक सब नहीं पहुँच पाती है, कुछ लोगों को मिलता है, राशन कार्ड की जो बात है उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, कुछ समय लगता है, और उसमें जो पेपर्स की जरूरत है रोज नए पेपर्स सरकार बदलती रहती है, और जो भी पेपर्स की जरूरत रहती है हो सकता है कि बहुत लोगों को वो नहीं बन पाता है और वो पिछड़ जाते हैं। मैं अपने वार्ड से लेकर और जब घूम रही हूँ तो मैंने देखा है कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो मैंने उन्हें बताते रहती हूँ कि ये सब चीज़ पेपर बनवा के रखती हूँ, चुनाव के दौरान में आप आइए कोशिश करें, राशन कार्ड हो गया या फिर आयुष्मान कार्ड है, सब कुछ मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था अगर हम हर 75 वार्ड में जन सुविधा केंद्र रखेंगे, जैसे मेरा संकल्प है कि अभी तक तो ये कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि जो पिछली मेयर थी उन्होंने कुछ चुनिंदा वार्डों में ही ये चीज़ें की है, मगर मैं पूरी जो कोशिश करके 75 वार्ड में जन सुविधा केंद्र, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एक जगह वार्ड में ऐसा केंद्र हो जहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो, क्योंकि लोगों बुजुर्ग हैं,
अब वो कितनी बार ब्लॉक हो गए, क्योंकि नियम है कि जिसको भी पेंशन बनवाना है उसको खुद जाना पड़ेगा। बुजुर्ग दौड़ नहीं सकते, विकलांग जा नहीं सकते, तो अगर वार्ड में रहेगा तो स्थानीय लोग वहाँ पर आ सकते हैं। बहुत जरूरी है हर वार्ड में एक इधर से स्वास्थ्य को लेकर ठीक है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक के तौर पर भी सब लोग बोल रहे हैं कि हम कॉलेज को जाना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। मोहल्ला क्लिनिक मैं हर जगह कह रही हूँ ये बात, क्योंकि मेरे भी संकल्प में ये है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भारत सरकार के द्वारा ये रीज़न आया हुआ है और उन्होंने पैसा भी भेजा हुआ है कि हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए किसान। मगर जब पिछले वोट में जब हमारा ये वोट जो निरस्त हुआ उससे पहले ये बोर्ड से पास हुआ था कि कुछ वार्डों में ही मोहल्ला क्लिनिक होगा, हम सिर्फ देख रहे हैं। उन्होंने मेयर के चुनिंदा वार्डों में या पसंदीदा वार्डों में दो वार्डों में हुआ, उस वक्त ही मैंने विरोध किया था उसमें, कि मैं इसका विरोध करती हूँ क्योंकि 75 वार्ड में ये चीज़ होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। क्यों तो जरूरी है, देखिए हम लोग अभी फिर कोरोना से आने वाला स्थिति शुरू है और हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान घूम रहे, इतना भीड़ हमारे लेते हैं, क्या करें, मजबूरी है। अगर आप इसमें डेंगू अभी आप देखें कि इस साल कोरोना कम था तो डेंगू का महा था, इस सबकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ना। डेंगू हो गया कोरोना आपको हम लोग के साथ चलेगा, जैसे डेंगू चल रहा है कोरोना भी हमारे साथ चलेगा, उसको अपनाना है हमें और उसकी व्यवस्था अपने महिला क्लिनिक में होगी तो बहुत सुविधा रहेगा लोगों को। ये चीज़ हमें होती है और वहाँ एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर, नर्स और एक डॉक्टर। देखिए आपको ही पता है कि पटना नगर निगम में थोड़े का मतलब बहुत ज़्यादा है, क्या लगता है कि सब आएंगे तो उसको रोकाएंगे या उसे बढ़ाते हैं? मेरा तो एक ही नारा इस चुनाव में है, घनमर और बाहुबल पर चोट करना है, आम व्यक्ति को। तो आप देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे बाहुबली और घनमर खड़े हैं, पूरा पटना जो है पोस्टर से, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई जो व्यक्ति इतना पैसा खर्च करेगा उगाही करने की भी पूरी कोशिश करेगा। पिछली बार भी यही हुआ था, पार्षदों ने जिसे मेयर बनाया उन्होंने तो पूरे पटना नगर निगम को ही तहस नहस करके रख दिया। हाँ, अब वो उपलब्धि के रूप में कहेंगे कि मैंने पटना शहर के लिए बहुत कार्य किया। हाँ ठीक है, आपका समय था उस वक्त, सरकार ने भी योजनाएं दी होगी, मगर आपने ईमानदारी पूर्वक अगर कार्य किया होता तो आज आपके लिए। तो मेरा एक ही नारा है इस चुनाव में, घनमर और बाहुबल को चोट करना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। कमीशन खोरी का तो आलम ये है कि आज पार्षदों की जो मान सम्मान है वो भी नहीं बच रहा है। आज से पूर्व मतलब इन पिछले 5 वर्षों से पूर्व पार्षदों का कुछ मान सम्मान रहा करता था, ऑफिस में जाइए तो वहाँ के अफसर भी आपको इज्जत दिया करते थे पीयून तक में, और आज यह हाल है कि हम पार्षदों की इज्जत पीयून तक नहीं कर रहे हैं। तो मान सम्मान कौन बचाएगा पार्षदों की? पार्षदों को कोई इनकम तो है नहीं, मान सम्मान ही उनका सबसे बड़ा चीज इस चुनाव में है। नगर निगम में पार्षदों के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है? उसका मान सम्मान जनता के लिए, उसके मान सम्मान को बचाने के लिए वैसा ही मेयर बनना चाहिए जो उनकी भी इज्जत करता है और मान सम्मान को बचाता है। धन के चक्कर में रहिएगा तो मन भी नहीं रहेगा और मस्तिष्क भी नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है, मेरा अंतिम सवाल है, जीत के बाद पहली प्राथमिकता क्या लगता है आपको, इसको सबसे पहले उद्घाटन पे लाना है? अगर जनता का भरपूर सपोर्ट मुझे मिला और मैं जीत के आती हूँ, आपने बहुत सुख बात कही कि जीत कर आती हूँ, तो सबसे पहले तो पटना के कार्यशैली का जो कार्यशैली है हमारा उसको दुरुस्त करना है, क्योंकि देखिए आदमी बदल सकता है, सिस्टम नहीं बदलता है। तो सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा, कार्य करने के लोगों की जो हमारे अफसरों की ढुलमुल रवैया है, पूरा नगर निगम का जो सिस्टम है वो ढुलमुल है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मेयर है वो कमज़ोर है। तो जब तक वो ढुलमुल रवैया जो मैं सिस्टम को नहीं बदलूंगी तो कोई भी कार्य करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो नगर निगम के सिस्टम को मुझे बदलना है, अफसरों में, पार्षदों में, कर्मचारियों में एक सामंजस्य, क्योंकि उन दोनों के बिना नगर निगम नहीं, शहर नहीं चल सकता। क्या अपील करना चाहिए हमारे माध्यम से अपने पूरे पटना? मैं पूरे पटना शहर की सम्मानित जनता से यही इस बार कहना चाहती हूँ कि जो गलती हम पार्षदों ने की मेयर चुनकर, आप मत कीजिए। हम लोगों ने कर लिया मगर अब समय है जागने का, और इस बार मेरा एक ही नारा है, मुखौटा नहीं सशक्त महापौर चुनिए जो अपनी बातों को सरकार तक रख सके, और धन बल और बाहुबल पर चोट कीजिए, और हम जैसे आम व्यक्ति जो आपके बीच में रहने वाले हैं वैसे व्यक्ति को चुनिए और पटना का मेयर बनाइए, तब आप देख पाएंगे
कि पटना शहर जरूर विकास। तो अभी आप सुन रहे थे पिंकी यादव जी को, जिन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से हमारे सवालों का जवाब दिया, विभाग ढंग से सवालों का जवाब दिया। उनका कहना था कि जब अपील कर रही है ये जनता से कि धन बल बाहुबल भ्रष्टाचार प्रदूषण खरीद करने वाले लोगों से दूर करिए और ऐसे सशक्त लोगों को चुन के लाइए जो आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके, जनता के बीच रह सके, उनकी बातों को सुन सके, उनकी समस्याओं का निदान कर सके और एक बेहतर एक विकासशील पटना बनाने का काम कर सके। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।